और वहाँ के जो हमारे परिवार है, हमारे दोस्त हैं, जब भी हमारा उनसे बात होता है, वो बोल रहे हैं कि हम रात को भी अच्छे से सो नहीं पाते, नींद नहीं आती, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब अटैक करेंगे वो लोग, कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो फिर वहाँ यही कोशिश रही है कि मणिपुर को न्यू साइकिल से गैप कराना। मोदी जी इस देश से डरपोक हो गए। आप बताओ ना कि प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोल रहे हैं कि अमेरिका में गला लगा रहे हैं, इजिप्ट में, लेकिन मणिपुर की बात नहीं बोल रहे हैं। और जो वहां पे शर्मनाक और दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं, उन सबको सामने रखते हुए उनको खुद इस बात की पहल करनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। लगातार 87 दिनों से मणिपुर के हालात नाजुक बने हुए हैं और अभी भी वहां पे हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि यहां पर महिलाएं अब जो है सड़क पर उतर आई हैं, क्योंकि जब से वो वायरल वीडियो आया है, वो जघन्य अपराध जो लोगों के सामने आया है, तो यहां पर भारत के लोगों के बीच गुस्सा देखने को जो है मिल रहा है, और वो गुस्सा संसद से लेकर सड़क तक देखने को मिल रहा है। और संसद में इस समय यहां पर विपक्ष ने पूरी तरीके से मोदी सरकार को घेर लिया है, जिसमें उनका मोटिव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर आके यहां पर मणिपुर को लेकर एक बयान दें, मणिपुर पर स्थिति क्लियर करें, क्योंकि जनता यहां जवाब मांग रही है कि मणिपुर के हालात क्या हैं। जनता तो देख ही रही है कि मणिपुर में लगातार हिंसा चल रही है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, अपने घर गंवा रहे हैं, और राहत शिविर कैंपों में बहुत ही दयनीय हालत में लोग जो है अपना गुजारा कर रहे हैं। और इस बीच एक मांग बहुत ज्यादा उठ रही है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है लगा दिया जाए, और इसी को लेकर यहां पर जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रही है। कभी कांग्रेस यहां प्रदर्शन करती है, कभी कुकी समाज के लोग आकर यहां प्रदर्शन करते हैं, कभी मणिपुर हिंसा के ग्रस्त लोग आते हैं वो यहां प्रदर्शन करते हैं, कई संस्थाएं प्रदर्शन करती हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू रेंगती हुई नजर नहीं आ रही। उनका जो पूरा मंत्रिमंडल है इस पूरे मामले पर बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर आपको कोई अनर्गलर बयान देखना हो, आपको ये सुनना हो संसद में कि भैया चुप बैठ जाइए वरना आपके घर ईडीसी भी आ जाएगी, जैसे उनके मंत्री, उनकी सांसद मीनाक्षी लेखी कहती हुई नजर आती है, ये तो आपको सुनने को मिल जाएगा, लेकिन मणिपुर पर क्या सोचते हैं, मणिपुर पर बीजेपी का क्या टेक है, ये आपको सुनने को नहीं मिलेगा। और जनता इसीलिए ही हताश है, और जनता ये चाह रही है कि अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाकर सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति को सौंप दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री केंद्र में बैठे हैं, उनके मुख्यमंत्री वो बीजेपी से हैं, वो राज्य में बैठे हैं, और बीजेपी ही हर तरफ है, तो बीजेपी ये हिंसा रोकने में नाकामयाब क्यों है। तो लोगों की मांग लगातार इसलिए ही बढ़ रही है कि आप मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए और वहां की जिम्मेदारी से बीजेपी को मुक्त कर दीजिए, क्योंकि बीजेपी तो नहीं चाहती कि वहां पर हिंसा रुके, अगर ऐसा होता तो वहां पर प्रधानमंत्री अपनी स्थिति क्लियर कर देते। तो लगातार संसद से लेकर सड़क तक एक ही मुद्दा चल रहा है कि मणिपुर पर बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं, क्या करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। बताइए, राहुल गांधी के जाने से वहां पे क्या असर पड़ा है? राहुल गांधी ने आके हमें एक नया उम्मीद दिया है। वहाँ जाके उन्होंने रिलीफ कैंप्स वगैरह विजिट किया है, उन्होंने महिलाओं के साथ बातचीत किया है, उनका स्टोरी सुना है, तो फिर इससे हम बहुत खुश हैं। मतलब उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके जाने से जो शांति आई है, अब वहाँ पे क्या हाल है? अब वहाँ पे तो अभी के लिए चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट जो है अभी के लिए सेफ है, अभी के लिए, पर वहाँ के जो हमारे परिवार है, हमारे दोस्त है, जब भी हमारा उनसे बात होता है, वो बोल रहे हैं कि हम रात को भी अच्छे से सो नहीं पाते, नींद नहीं आती, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब अटैक करेंगे वो लोग, कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो फिर वहाँ दिखने में तो शांति है, पर दिल का ऐसा कुछ सच्चा शांति नहीं है। यहाँ ये क्या डिमांड है आप लोग? हमारा डिमांड है कि हमें टोटल सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए। राहुल गांधी जी ही वेंट मणिपुर और उन्होंने रिलीफ कैंप्स वगैरह विजिट किया, और हम उससे बहुत खुश हैं, क्योंकि बाकी पॉलिटिशियंस किसी ने ऐसा नहीं किया, और उसने हमारा ये जो आवाज़ है उन्होंने बढ़ाया, और ही हेल्प्ड अस इमोशनली एंड मेंटली, तो फिर हमें उनसे बहुत बड़ा उम्मीद है। अधिकांश टीवी चैनल और भाजपा
सरकार की, केंद्र सरकार की यही कोशिश रही है कि मणिपुर को न्यूज साइकिल से गैप कराना। आपने देखा होगा कि कभी बकवास चीज जो है, लेकिन मणिपुर को जो न्यूज चैनल से गैप कराना जो है, प्रधानमंत्री जी और सरकार कोशिश कर रही है। राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर को जो है ना देश के ध्यान केंद्रित करने के लिए हमेशा आवाज उठाया। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी जो है लगातार आवाज उठा रही है, लगातार टीम्स जा रहे हैं। तो राहुल जी का इतना ही कहना है कि जब तक देश जो है मणिपुर की बात को नहीं समझेंगे, जब तक देश मणिपुर का दर्द को नहीं समझेंगे, जब तक देश नहीं देखेंगे कि कितना ज्यादा अत्याचार हो गया है, 200 से ऊपर लोग की हत्या हुई है, 1000 से ऊपर घर जल गए, 700 से ऊपर जो है पूजा स्थल, चर्च और मंदिर जो है तोड़े गए, टोटल लॉ एंड ऑर्डर करप्शन है, डबल इंजन की सरकार जो है, ट्रिपल प्रॉब्लम वाली सरकार हो गई है। ये डबल इंजन नहीं है, ट्रिपल प्रॉब्लम वाली सरकार है। तो राहुल जी आएंगे, तीन चार जगह उनका कार्यक्रम है, दो दिन का कार्यक्रम, समाज के हर एक वर्ग से मिलेंगे, पीड़ित लोग से, और उनका दर्द दुख बांटने का कोशिश करेंगे, उनको जो है संयम देने के लिए। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी के विजिट से जो है सरकार को कम से कम ये सीख लेनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को सीख लेनी चाहिए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, राहुल जी पहुंच रहे हैं, वो तो एक आम नागरिक हो गए और उनको इतनी चिंता, देश के प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं। हालत कैसे कंट्रोल में, कोई जा ही नहीं सकता है, गोलियां चल रही हैं, फोर्सेस है। परसों कुछ दिन पहले एक आर्मी का जवान शहीद हुए थे, बीएसएफ के जवान जो है एक के हाल में मौत हुई। तो हालात सामान्य कैसे हो सकता है, लोग नहीं घूम रहे। आप मार्केट जाकर लोग से बात कीजिए, बोल दीजिएगा कि मणिपुर जला दिया, कांग्रेस के समय शांति था, कंट्रोल था, अब जो है कौन क्या कॉन्स्पिरेसी कर, हमको समझ में नहीं आ रहा। मेरा राहुल गांधी जी इस देश के नेता हैं, मोदी जी इस देश से डरपोक हो गए। आप बताओ ना कि प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोल रहे हैं कि अमेरिका में गला लगा रहे हैं, इजिप्ट में, लेकिन मणिपुर की बात नहीं बोल रहे हैं। और एक आदमी जो अभी आम नागरिक है, वो देश के दर्द के लिए हर जगह घूम रहा है। मणिपुर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मणिपुर का दर्द को आकर समझिए, देखिए मणिपुर के लोग कितने परेशान है। ऐसा घटना भयावह स्थिति हमने कभी नहीं देखा है। देश सरकार की मिली भगत है ये बीरेन सिंह जी, जब तक जाएंगे नहीं तो किसी को विश्वास ही नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर जाएंगे नहीं तब तक किसी को विश्वास नहीं है, उसके परिणाम ठीक नहीं होते। और ये कारण है, और मैं आपको ये परिपेक्ष इसलिए बताना जरूरी समझता हूं क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सवाल चर्चा का नहीं है, सवाल जिम्मेदारी का है। हम कोई संसद में टॉकआउट नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जिम्मेदारी तय हो कि 77-78 दिनों में अगर मणिपुर की परिस्थिति इस अंजाम पे पहुंची है, उसकी जिम्मेवारी किसकी है। बीच में ये खबरें आई थी कि सरकार ने जो धारा 355 है भारत के संविधान की, उसको इन्वोक किया था। क्या वो बात सही है नहीं सही है, क्योंकि उसका कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ था। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री को देना उनका उत्तरदायित्व तो बनता है, उनका फर्ज बनता है, क्योंकि वो एनडीए भाजपा सरकार के मुखिया है। तो इसलिए पिछले वीरवार से हम लोग जो सामूहिक विपक्ष है, जिसका नाम इंडिया रखा है बेंगलुरु में, और मुझे मालूम है उसके बारे में आप कुछ सवाल पूछेंगे, आज कुछ टिप्पणियां हुई हैं उसके बारे में, तो इस इंडिया अलायंस ने इसलिए पिछले 3-4 दिन से
इस बात को प्राथमिकता पे रखा है कि प्रधानमंत्री खुद आकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सामने रखते हुए उत्तर पूर्व के जो एक विशेष परिस्थिति है जिसका संज्ञान भारत के संविधान ने भी लिया है उसको सामने रखते हुए और जो वहाँ पे शर्मनाक और दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं उन सबको सामने रखते हुए उनको खुद इस बात की पहल करनी चाहिए थी कि वो लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर के ऊपर खुद चर्चा शुरू करते। मैं अपने सहयोगी नासिर हुसैन जी से अनुरोध करूंगा कि उनका वो जो कहना चाहते हैं इसके बारे में वो भी अपना वक्तव्य आपके सामने रखें। नमस्कार मनीष तिवारी जी, विनीत पुनिया जी और मीडिया के सारे मौजूद साथियों। मनीष भाई बड़ा डिटेल में जो हालात पार्लियामेंट में हैं उसके आपके समक्ष रखी हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपके सवाल होंगे और काफ़ी सवाल पूछना चाहते होंगे। मैं तीन चार पॉइंट्स करूँगा। एक तो जैसा मनीष भाई बता रहे थे 88 दिन का जो नरसंहार हो रहा है, जो वहाँ पे हिंसा हो रही है, जो वहाँ पे बलात्कार हो रहा है, जो लोगों को मारा जा रहा है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री आज तक अपनी चुप्पी तोड़ी नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो कस्टमरी मीडिया को एड्रेस करते हैं किसी भी सेशन के पहले, उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर दो शब्द बोले, मणिपुर का जिक्र किया था, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस जो कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आएंगे पार्लियामेंट को बताएंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उनकी क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, क्या वहाँ पे एक्चुअल स्थिति है, लेकिन प्रधानमंत्री चूज़ किए कि वो अंदर नहीं बोलेंगे, वो बाहरी टिप्पणी करके निकल जाएंगे। लगातार हम लोग राज्यसभा के अंदर ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आके वहाँ पे बात रखें और ये भी हम मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर डिटेल में चर्चा होना चाहिए। 88 दिन का नरसंहार, मणिपुर हमारे देश का एक हिस्सा है, हमारे लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, उनके पास वेपन्स हैं, वो कहाँ से आए, कौन उनको सप्लाई कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान के बाहर से आ रहे हैं, क्या हिंदुस्तान के अंदर ही कोई सप्लाई कर रहा है। प्रधानमंत्री दुनिया भर घूमते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम्स में जाते हैं, वहाँ से एड्रेस करते हुए अपोजिशन पार्टीज़ के बारे में टिप्पणी करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस को एड्रेस करना नहीं चाहते। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम डिटेल चर्चा चाहते हैं। हम लोग लगातार नोटिसेस दे रहे हैं, आज 14 दिन है, 4th डे है, लगातार रूल 267 के तहत हम लोग चर्चा की मांग कर रहे हैं। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।